हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं अब आपसे बात करने वाला हूँ मैनेजेरियल फंक्शन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैंने इको 3 से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखी हैं, और अब मैं इको 3 से रिलेटेड ही एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसका टॉपिक होने वाला है मैनेजेरियल फंक्शंस। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बीकॉम की स्टडी कर रहे हैं बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, और उसके बाद आपको अपने मेरे चैनल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, मेरे चैनल का जो पेज है, जो पेज यूट्यूब पर बना हुआ है, वो आपको खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको टैब वाइज जो है आगे बढ़ते हुए जाना है, और जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको बस वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट हमारा चेक करना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में ही आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे कि आप इको 3 का अगर एग्ज़ाम देने वाले हो, तो इको 3 का वहाँ पे एक डेडिकेटेड एक इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आपको इको 3 की सारी वीडियोज़ मिलेंगी। या फिर अगर आप इको 2 के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो फिर इको 2 की एक अलग से इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आपको इको 2 की वीडियोस मिल जाएंगी। राइट, तो चैप्टर वाइज कह रहा हूँ, क्लासेस सब्जेक्ट वाइज जो है आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी, चाहे वो बीकॉम के हो या फिर एमकॉम के हो। ठीक है, तो आपको वहाँ से सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको बस वहाँ जाकर के उन सबको वॉच करना है और एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फिर उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। सो हम बात करने वाले हैं मैनेजेरियल फंक्शन के बारे में। राइट, तो फंक्शंस का मतलब होता है कार्य, और मैनेजेरियल फंक्शन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट के लेवल पे जब कोई मैनेजेरियल अपने कार्यों को करता है, तो वो मैनेजेरियल कार्य कहलाते हैं, या राइट मतलब प्रबंधकीय कार्य कहलाते हैं। तो प्रबंधकीय कार्य होते क्या हैं, ये हम लोग एक एक करके इस लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। Enterprise functions vary according to the nature of enterprise. Functions like production, marketing, finance and personal notice in a typical typical industrial undertakings. ठीक है, तो देखो जो enterprises के functions होते हैं, वो बहुत vary करता है from enterprise to enterprise. ये देखना पड़ता है कि enterprise का nature क्या है। जैसे कि देखो कहीं कहीं पे देखो production का जो है काम किया जाता है, कहीं कहीं पे marketing, finance, personal notice, इस तरह के जो है functions perform किए जाते हैं इन industrial undertakings. अगर आप other जगहों की बात करो, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है, इफ यू टेक अ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, अगर आप ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बात करोगे, तो उस केस में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, उसमें से आपका ट्रैफिक हो जाएगा, ट्रैफिक एंड फाइनेंस, ये दो फंक्शन जो है वहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। हाउएवर द मैनेजरियल एक्टिविटीज ग्रुप्ड इनटू फंक्शंस आर बेसिक फॉर ऑल मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स एट ऑल टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज। तो जो हम मैनेजरियल फंक्शंस की अभी बात करेंगे, ये तकरीबन हर एक एंटरप्राइज में काम आता है, हर एक लेवल पे काम आता है, मतलब चाहे वो टॉप लेवल का हो या फिर लो लेवल का हो, हर एक जगह पे जो है ये मैनेजरियल फंक्शन जो है काम आता है। ठीक है, तो इसी को हम करेंगे। सो द फंक्शंस विच डिस्क्राइब मैनेजरियल जॉब विथ वेन पुट टुगेदर मेक अप एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज एनालाइज्ड इनटू टू की फंक्शंस विज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस हैं, की फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग। राइट, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो पी और पोस्ट सी, POSDC, P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing और C for controlling। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों के जब आप एक साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से लगाओगे, तो डेफिनेटली आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही इफिशियंट होगा। राइट, वही बात देखो यहाँ पे बोली जा रही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग विच डील विथ मोस्टली विथ नॉन ह्यूमन एस्पेक्ट्स आर नोन एज मैकेनिक्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो तो कुछ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं कंट्रोल फंक्शंस के, जो कि नॉन ह्यूमन एस्पेक्ट्स के साथ डील करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, या फिर जो आपका ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और प्लानिंग जो हो गया, इसको जो है नॉन ह्यूमन एस्पेक्ट में रखा गया, बिकॉज यहाँ से ह्यूमन का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, यहाँ पे जो है बस कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वेयर एज अगर आप अदर चीज़ों की बात करोगे, है ना, जैसे कि स्टाफिंग की बात ले लो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टिंग की बात ले लो, तो ये सब चीज़ें होती हैं ह्यूमन एस्पेक्ट से बिलोंग करती हैं, बिकॉज आपको इसमें ह्यूमंस को बोलना होता है कि देखो आप ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करोगे तो बेहतर होगा। राइट, तो ये जो नॉन ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और यही तीन चीज़ें जो हैं, उसे हम कहेंगे मैकेनिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वेयर एज स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग विच आर प्राइमरी कंसर्न विद ह्यूमन एस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूट डायनामिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो वो जो तीन थे, उसे हम कह रहे थे डायनामिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और इसे हम कहेंगे, माफी चाहूँगा, उसे हम कह रहे थे
जी उसे हम कह रहे थे मैकेनिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और अब इसे हम कहेंगे डायनामिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब स्टाफिंग और डायरेक्टिंग को मिला करके कंबाइन करके हम इसे कहेंगे डायनामिक्स मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डायनामिक चीज़ें होती हैं। डायनामिक मतलब गत्यात्मक, चीज़ें बदलती रहती हैं, आपको जो है ह्यूमन टू ह्यूमन बार बार जो है इनको फोर्स करना होता है कि देखो आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो इसमें करनी होती हैं, इसलिए हम इसे डायनामिक कह रहे थे। और मैकेनिक हम उसमें इसलिए कह रहे थे बिकॉज वहाँ पर चीज़ें जो है ना वो बहुत ही लाइक बहुत ही वास्ट लेवल पर होती हैं, और एक तरीके से उसका जो असर है वो मतलब बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं होता, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ ही काम करता है बहुत ज़्यादा, राइट। तो इन द कंसेप्चुअल स्कीम दो फंक्शंस आर लिस्टेड इन अ सीक्वेंस, इन प्रैक्टिस दे आर इंटरलॉक्ड एज अ सिस्टम, ठीक है। अगर अलग अलग तरीकों से देखा जाए तो ये जो है एक तरीके से एक फंक्शन है जिसको लिखा गया है, लेकिन अगर आप एज ए प्रैक्टिस अगर आप इसको समझोगे तो ये एक इंटरलॉक सिस्टम है। कौन व्यक्ति किस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है वो पता भी नहीं चल पाता, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये पाँचों चीज़ें जो हैं एग्जिस्ट करती हैं, लोग करते हैं, ठीक है। एज ऑल फंक्शंस आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल मैनेजर्स, टाइम स्पेंड बाई देम फॉर ईच ऑफ फंक्शंस, ईच ऑफ दिस फंक्शंस वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बात बोली जा रही है कि जो सारे फंक्शंस हैं वो सारे मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जो भी समय वो उस फंक्शन को निभाने में देते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से काम करती है, राइट। दीज फंक्शंस हैज बिन डिस्कस बिलो, एक एक करके जो है नीचे डिस्कस किया गया है। अब देखो इस बारे में मैं आपको एक करके अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है देखो प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है किसी काम को करने के पहले आप जो है प्लानिंग कर रहे हो कि इस काम को किस तरीके से करना है ना, कैसे करना है, किसके लिए करना है और किस तरीके से करना है, ये क्वेश्चन होता है। हाउ, व्हेन और फॉर हूम, ठीक है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये तीन सवाल आपको अपने से पूछना है। उसके बाद ही आपको प्लानिंग जो है ऑटोमेटिकली आप देखना अच्छे से करने लगोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्लानिंग रेफर्स टू एंटीसिपेटिंग द फ्यूचर कंडीशंस एंड चूजिंग फ्रॉम अमंग द अल्टरनेटिव फ्यूचर्स कोर्स ऑफ एक्शंस। द प्लानिंग प्रोसेस जनरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। देखो जो प्लानिंग होता है वो एक तरीके से एंटीसिपेटिंग होता है। एंटीसिपेट क्या होता है उसमें कि फ्यूचर कंडीशंस क्या रहने वाली है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, राइट। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा और एंटीसिपेशन किया जाता है। द प्लानिंग प्रोसेस जो उसमें होता है उसमें चार पाँच चीज़ें जो है सम्मिलित होती हैं, माफी चाहूँगा सात चीज़ें सम्मिलित होती हैं टोटल, उसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला होता है फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग मतलब ये हो गया कि आगे जाकर के आपकी कंपनी कैसे रन करेगी, आगे जाकर के आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्या क्या थ्रेट्स आ सकती हैं, फ्यूचर प्रॉब्लम्स जो आपके साथ आ सकती हैं, जो फ्यूचर कंडीशंस होंगे उसके बारे में लाइक बात की जाती है, उसके बारे में फॉरकास्टिंग की जाती है। आपने टीवी में सुना होगा वेदर फॉरकास्ट, है ना, तो उसमें मौसम संबंधी जो है एक तरीके से भविष्यवाणी की जाती है। तो फॉरकास्टिंग इज अ काइंड ऑफ भविष्यवाणी इन विच पीपल एंटीसिपेट देयर अपॉर्चुनिटी, देयर प्रॉब्लम्स, देयर कंडीशंस विच रिलेटेड टू द फ्यूचर ऑफ दैट कंपनी, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। दूसरे पॉइंट में प्लानिंग के तहत किया जाता है कि आप जो एस्टैब्लिश करते हो अपने ऑब्जेक्टिव्स को कि आने वाले समय में हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को पाना चाहते हैं, हमारे कौन कौन से उद्देश्य हैं जिसे मैं अचीव करना चाहता हूँ। सो एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव मीन्स सेटिंग द एंड रिजल्ट टू बी अकॉम्प्लिश्ड बाय द डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट, ठीक है। तो एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एक तरीके से एंड रिजल्ट को लाइक भापना, एंड रिजल्ट को लाइक कंप्लीट करने के लिए जो हमारा एंड रिजल्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए जो है एफर्ट लगाना और उसी को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन को एक दिशा में लेकर के जाना, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग इज एस्टैब्लिशिंग द सीक्वेंस एंड प्रायोरिटी ऑफ एक्शंस टू बी फॉलोड इन द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग एक तरीके से किया जाता है ताकि जो आपने प्लानिंग की है उसी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को किया जा सके, उसी के अकॉर्डिंग जो है लोग व्यवहार कर सकें, उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग के तहत मतलब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा शफल किया जाता है, तैयार किया जाता है। इज एस्टैब्लिशिंग द सीक्वेंस एंड प्रायोरिटी ऑफ एक्शंस। आप यहाँ पे प्रायोरिटी अपना ऑफ एक्शंस अपना ढूंढ रहे हो, सबसे पहले आपको ये करना है, ये आपकी पहली प्रायोरिटी है, फिर आपकी दूसरी प्रायोरिटी ये है, फिर आपकी तीसरी प्रायोरिटी ये है। तो आप प्रोग्रामिंग करते हो, शफल करते हो चीज़ों को और फिर उसको जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से तैयार करते हो ताकि जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है उसको आप अटेन कर सको, उसको आप पा सको, ठीक है ना। चौथा पॉइंट है स्केड्यूलिंग। तो स्केड्यूलिंग का मतलब होता है स्केड्यूलिंग इज डिसाइडिंग ऑन द टाइम सीक्वेंस फॉर प्रोग्राम स्टेप्स। अब जो प्रोग्राम स्टेप्स होंगे उसका टाइम सीक्वेंस क्या होगा, मतलब कितना समय आपको किस चीज़ में देना है वो हमारा स्केड्यूलिंग कहलाता है। जैसे कि सपोज प्लानिंग में ही सबसे पहला काम है सपोज की प्लानिंग करके उस चीज़ को उस चीज़ का एक ब्लूप्रिंट निकालना, तो इसको करने में कितना समय लगेगा, एक दिन, दो दिन, जो भी समय लगेगा, ये जो हम टाइम सीक्वेंस तैयार करेंगे उसे हम कहेंगे स्केड्यूलिंग, ठीक है, प्रोग्राम स्टेप्स को पूरा करने के लिए।
पांचवा पॉइंट है बजटिंग। बजटिंग बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, आपने सुना होगा हमारा फाइनेंशियल बजट जो हमारा फेब में आता है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसके पास जितने भी सारे इनकम होते हैं उसको वो बताती है कि कहाँ कहाँ खर्च करेगी, गरीबों के ऊपर इतना खर्च करेगी, टैक्स स्लैब में छूट मिल जाता है, कॉरपोरेट टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बजटिंग का मतलब होता है कि आप जो है अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हो ताकि आपका जो कॉस्ट है कुछ इस तरीके से एलोकेट कर रहे हो ताकि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें रिडक्शन आ सके और आप एक तरीके से एक अच्छी कंपनी बना सको। छठा पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग प्रोसीजर्स। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, एस्टैब्लिशिंग प्रोसीजर्स मीन्स डेवलपिंग एंड अप्लाइंग स्टैंडर्डाइज मैथड्स ऑफ परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क, मतलब किसी स्पेसिफिक किसी एक विशिष्ट वर्क को करने के लिए, ठीक है ना। आप एक मैथड्स तैयार कर दे रहे हो कि आपको ये परफॉर्म आपको अगर ये काम परफॉर्म करना है तो इस मैथड के थ्रू आपको करना होगा, तभी जो है आप इस स्पेसिफिक वर्क को पूरा कर पाओगे। तो एस्टैब्लिशिंग प्रोसीजर का मतलब होता है किसी किसी काम करने का तरीका जो है उसको एस्टैब्लिश कर देना कि ठीक है आप इस तरीके से ही करना, ठीक है ना। सातवां पॉइंट है डेवलपिंग पॉलिसीज़। तो जो भी पॉलिसीज़ होंगी प्लानिंग के तहत पॉलिसीज़ डेवलप की जाती हैं कि हमारी पॉलिसी ये है कि कोई भी 9 बजे के बाद जो है ऑफिस में नहीं आएगा, ठीक है, या फिर कोई लीव नहीं लेगा, या लीव लेगा तो उसके पहले उसको 2 दिन पहले जो है अप्लाई एप्लीकेशन डालना होगा, इस तरह की चीज़ें है ना। पॉलिसीज़ आप तैयार कर रहे हो अपनी कंपनी की, हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है, हमारा ये पॉलिसी नहीं है कि हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाएँ, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको करनी है। सो डेवलपिंग पॉलिसीज़ इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग डिसीजन दैट अप्लाई टू रिपीटेटिव क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सिग्निफिकेंस टू बी ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल के लिए जो प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट हैं, जो रिपीटेटिव क्वेश्चन सिग्निफिकेंट हैं, उनको लाइक ध्यान में रखते हुए उनको लाइक ठीक करने के लिए जो है एक तरीके से डेवलपिंग जो पॉलिसीज होती हैं उसको डेवलप की जाती हैं ताकि जो चीज़ें हैं उसको कंट्रोल में रखा जा सके। दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी आपने प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद आपको अपने जो जो आपका फर्म है उसको आपको ऑर्गेनाइज करना होगा, ठीक है। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज एंड क्रिएटिंग अथॉरिटी लीडरशिप अमंग देम इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग में देखो क्या क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन होता है उस तरीके से ये जो होता है एक मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप ये डिफाइन करने की कोशिश करते हो कि आपकी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ क्या होंगी, किसके पास कौन किस चीज़ की अथॉरिटी रहेगी, कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इस तरह की चीज़ें जो हैं फंक्शंस में फंक्शंस को ऑर्गेनाइज की जाती हैं, राइट। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में चीज़ें ये सारी चीज़ें आएंगी। सबसे पहला पॉइंट है डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ टास्क एंड ग्रुपिंग देम इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स फॉर परफॉर्मेंस। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन का सबसे पहला काम होता है कि डेवलप करना एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को ताकि लोगों को आइडेंटिफाई करके जो है उनके अनुरूप जो है उनको वो काम दिया जा सके और ताकि जो डिपार्टमेंट और परफॉर्मेंस जो है उसको और डिपार्टमेंट का जो परफॉर्मेंस है उसको और बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करना होगा और फिर लोगों को उसमें एंगेज करना होगा काम पे, है ना। दूसरा पॉइंट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन अथॉरिटी टू द मैनेजर्स एंड मेकिंग हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रुप परफॉर्मेंस। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है एक तरह की अथॉरिटी जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है उस काम को लिए, उस काम के लिए जिस काम के लिए उसे असाइन किया गया था, ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द मैनेजर्स एंड मेकिंग हिम पॉसिबल, ठीक है, ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है पूरे के पूरे ग्रुप के परफॉर्मेंस के लिए, तो इसे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग रिलेशंस। ये क्या होता है, क्रिएटिंग कंडीशंस नेसेसरी फॉर म्यूचुअल कोऑपरेटिव एफर्ट्स ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का काम ये भी है कि आप एक तरीके से अपने कंपनी में सौहार्द का माहौल बना करके रखो, एक एम्प्लॉय जो है दूसरे एम्प्लॉय से खुश रहना चाहिए, एक तरीके से बहुत ही म्यूचुअली कोऑपरेटिव एफर्ट जो है आपको साथ में मिलकर लगाना है, जो आपका रिस्पेक्ट है कंपनी के लिए वो सबका सेम होना चाहिए, इवन कंपनी को भी जो है अपनी एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट देना चाहिए और सबको बराबर देना चाहिए ताकि सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं साथ मिल करके उस कंपनी को बड़ा करने के बारे में अपने कदम को बढ़ा सकें, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का ये कुछ कुछ पॉइंट्स था। तीसरा पॉइंट है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उसके स्पेसिफिक उसके काम अनुसार उसके योग्यता अनुसार जो है काम का मिलना, उसे हम स्टाफिंग कहते हैं। आप स्टाफ अपॉइंट कर रहे हो अपने काम के लिए, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ प्लानिंग एंड प्लानिंग द ऑर्गेनाइजेशन विथ सूटेबल पर्सनल कॉन्स्टिट्यूट द स्टाफिंग फंक्शन, ठीक है। आपको प्लानिंग करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और फिर सूटेबल पर्सनल जो है सूटेबल व्यक्ति जो है उस काम के लिए जो उस काम को अच्छे से कर पाएगा उसको वहाँ पे अपॉइंट करना है, तो ये स्टाफिंग का फंक्शन होता है। ये बहुत सारे फंक्शंस मैंने मैनेजर के आपको बता रहा हूँ, तो जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया। तो स्टाफिंग का जो फंक्शन होता है उसका मतलब होता है कि आप क्या करोगे, आप किसी व्यक्ति को उसके योग्यता अनुसार जो है काम दोगे,
ठीक है, इट इन्वॉल्व्स सेलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब इसमें देखो होता क्या गया, इसमें सेलेक्शन होता है सबसे पहले किसी व्यक्ति का, फिर उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, फिर उसको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है फॉर एनी काइंड ऑफ लॉसेस, एंड अप्रेजल ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय द मैनेजर, और फिर बाद में उनको अप्रेजल भी दिया जाता है। मतलब अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उनको बढ़ोतरी दी जाती है, इंक्रीमेंट होता है, उनकी सैलरी बढ़ती है ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैन पावर प्लानिंग एंड मैन पावर मैनेजमेंट लुक्स आफ्टर दीज एक्टिविटीज़ एंड ट्राई टू इंश्योर सूटेबल मैथड्स ऑफ रेमोनरेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉइज। तो जो मैन पावर प्लानिंग होती है, मैन पावर मैनेजमेंट होती है, वही इन सब चीज़ों के एक्टिविटीज़ को देखती है, जो कि एक तरीके से देखती है कि क्या सूटेबल मैथड ऑफ रेमोनरेशन होना चाहिए एम्प्लॉइज़ के लिए, और उनका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो भी जो है उनका लाइक मार ना जाए, उनको जो है मिलता रहे, अगर वो परफॉर्म अच्छा करते हैं तो उनको अप्रेजल जो है वो मिलता रहे। ये तीसरा पॉइंट होता है स्टाफिंग का, जो कि मैनेजरियल फंक्शन है। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज डायरेक्टिंग फंक्शन। चौथा पॉइंट है चीज़ों को डायरेक्ट करना। जो आपने काम असाइन किए हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, एम्प्लॉइज़ को आप डायरेक्ट करना कि आप जो है काम को इस तरीके से करोगे, यहाँ पे ये चीज़ें करनी है, वहाँ पे वो चीज़ें करनी है, इस तरीके की है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स मैनेजिंग पीपल एंड द वर्क थ्रू द मीन्स ऑफ मोटिवेशन, प्रॉपर लीडरशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो, डायरेक्शन करने के लिए आपको दो तीन चीज़ें चाहिए। सबसे पहला तो आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, मान लो कोई एम्प्लॉई जो है डीमोटिवेटेड है, उसका मन नहीं लग रहा काम में, या मे बी कुछ भी एक रीज़न हो सकता है, तो उसको आपको मोटिवेट करना है कि देखो आप जो कर रहे हो आप कंपनी के लिए कर रहे हो, कंपनी इसके लिए आपको पैसे देती है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिमुनरेशन अच्छा मिलेगा, आपका इंसेंटिव्स बनेगा, है ना। इस तरह की चीज़ें जो हैं बोल करके आप जो है उसे मोटिवेट कर सकते हो। उसे प्रॉपर लीडरशिप प्रोवाइड करना, जो व्यक्ति उसे लीड कर रहा है, जो उसका ग्रुप लीडर है, उसका एक बेहतर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन हिम एंड द ग्रुप लीडर और द मैनेजमेंट, इन सब के बीच में जो है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव जो है बातचीत होनी चाहिए, और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब मैनेजर मस्ट डेवलप एबिलिटी टू कमांड। एक मैनेजर के पास कमांड करने की, अपने ग्रुप को कमांड करने की, उसको कंट्रोल करने की जो है एबिलिटी को डेवलप करना होता है। ही शुड इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस विदाउट अराउजिंग एनी रिसेंटमेंट अबाउट द सबऑर्डिनेट। इसे जो है इस ऑर्डर्स को इशू करना चाहिए और इंस्ट्रक्शन को इशू करना चाहिए बिना उनके बारे में सोचे कि उनका जो है बिहेवियर, लाइक जो भी चीज़ें होंगी वो किस तरीके की होंगी। लाइक सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल एक मैनेजर के पास जो है कंट्रोल होना चाहिए कि देखो मैं जो कर रहा हूँ उस कह रहा हूँ उसके हिसाब से करो, हमारी कंपनी डेफिनेटली जो है प्रॉफिट कमा करके देगी आपको, ठीक है ना, इस तरीके से होना चाहिए। ही मस्ट बी एबल टू सिक्योर विथ विलिंग ओबीडियंस फ्रॉम इट्स सबऑर्डिनेट्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग देयर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो जो मैनेजर होता है उसका काम होता है कि उसका ओबीडियंस को लाइक एक्सेप्ट करना, लोग जो है जो इम्प्लॉइज हैं उसको ओबीडियंस को माने, लाइक उसके उसकी बातों को माने, और जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से काम करें ताकि उनका जो जो इम्प्लॉई है वो बहुत खुश रहे, मतलब जो एम्प्लॉयर है वो बहुत खुश रहे, और अपने काम में क्रिएटिविटी लाने के लिए लाइक उनको बोलना है कि आप अपने काम में क्रिएटिविटी लाओ, इनिशिएटिव्स लो अलग अलग तरीके के, ताकि आप जो है परफॉर्म अच्छा कर सको। Moreover, it requires a sound communication system to enable exchange of ideas and information for common understanding. तो common understanding के लिए अगर आप ये चाहते हो कि communication system बेहतर किया जा सके, ताकि आपस में जो बातचीत हो रही है, जो आपस में जो ideas को share किया जा रहा है वो और भी अच्छे तरीके से हो, क्योंकि ideas का आपस में share होना, एक व्यक्ति का होना जो कि सारी चीज़ों को control कर रहा है और सारे ideas को like समझ रहा है और दूसरों को बता रहा है, वो चीज़ होना बहुत ज़्यादा important हो जाता है। तो ये काम भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये एक तरीके से साउंड कम्युनिकेशन सिस्टम को एनेबल करता है, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वो जो है एक तरीके से हो सके, और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो हर एक बात के ऊपर। ठीक है, पांचवा और आखिरी पॉइंट है कंट्रोलिंग फंक्शन। तो मैनेजमेंट का काम कंट्रोल करना भी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। लेकिन डायरेक्टिंग और स्टाफिंग, ये दो चीज़ें नॉन ह्यूमन एस्पेक्ट में थी, और बाकी तीन चीज़ें मतलब प्लानिंग, कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये मैकेनिक्स ऑफ बिजनेस कहलाती हैं या फिर मैनेजमेंट कहलाती हैं, और ये था डायनामिक्स, दो चीज़ें, है ना। कंट्रोलिंग की बात कर लेते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा हो, कंट्रोलिंग का मतलब होता है अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने फंक्शंस को, अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। सो कंट्रोलिंग एनेबल्स मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट अचीवमेंट इन अकॉर्डिंग विद एस्टैब्लिश्ड प्लान्स इट इन्वॉल्व्स। ठीक है, सो कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि मैनेजमेंट है जो है वो इंश्योर कर रहा है कि जो वो जो है अचीवमेंट को पा सके विद द प्रपोज्ड प्लान्स, जो भी उसके प्रपोज्ड प्लान्स हैं, जो भी उसके पास एस्टैब्लिश्ड प्लान्स हैं, उसके बेसिस पे वो जो है अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करता है। सबसे पहला काम होता है एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स। अगर आपको अपने रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करना है तो उसके लिए आपको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहला काम यही होता है कि आप जो है एस्टैब्लिश करोगे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को। ठीक है, दूसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ रिपोर्ट
ठीक है, तो किसी कोई भी व्यक्ति जो है उसका प्रोग्रेस ऑफ वर्क कैसा है उसके बेसिस पे आपको जो है परफॉर्मेंस तैयार करना है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करना है, राइट, और उसका फिर रिकॉर्ड रखना है। तो ये कंट्रोलिंग फंक्शन का हिस्सा है। तीसरा पार्ट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अपने इम्प्लॉयज़ का जो इवैल्यूएशन है उसे आप परफॉर्म कर रहे हो, माफ़ी चाहूँगा, जो उसका जो परफॉर्मेंस है उसे आप इवैल्यूएट कर रहे हो कि वो उसने कितना अच्छा काम किया। लाइक अगर अच्छा काम किया तो फिर मैं उसे स्टैंडर्ड सेट कर देता हूँ ताकि उसी स्टैंडर्ड को जो है सबको फॉलो करना है, सबको उसी स्टैंडर्ड को पाने की कोशिश करनी है। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड को सेट करना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सेट, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया था उससे बेहतर होना चाहिए। चौथा और आखिरी पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 का, करेक्टिव एक्शन टू रेगुलेट ऑपरेशंस, रिमूव डेफिशिएंसीज एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। करेक्टिव एक्शंस लेना चाहिए ताकि आप जो है ऑपरेशंस को रेगुलेट कर सको, जो डेफिशिएंसीज होती हैं उसको आप रिमूव कर सको, और जो परफॉर्मेंस है उसको आप परफॉर्मेंस जो है उसको आप इम्प्रूव कर सको। तो ये 5 फंक्शंस होते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन के तहत, सो मैं चाहूँगा 4 फंक्शंस होते हैं, और इन टोटल टोटल जो है 5 फंक्शंस थे जहाँ पर मैंने आपको चीज़ें बताएं कि ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जो कि एक मैनेजर द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं जिसे मैनेजरियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अगर आपसे एग्जाम में ये बात पूछी जाती है तो आप इन 5ों को डिस्कस कीजिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है तो पक्का इसको कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे ट्विटर हैंडल पे, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक जो हैं आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर काइंडली विजिट कीजिए और फिर हमें फॉलो कीजिए। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।